अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि हम कंटीन्यूसली ये डिस्कस कर रहे हैं एचएसटी एचएम HM, है? टी एच एम सब्जेक्ट और टीओ की जो जॉब्स आने वाली हैं उसके बारे में बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी बच्चों ने कोर्सेज भी ले लिए हैं वीडियो लेक्चर सीरीज़ और नोट्स वग़ैरह लेकिन इसमें एक और ख़बर है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो बड़ी इम्पॉटेंट है और इससे हो सकता है कि इन पी को इम्पेक्ट पड़े प्रेपरेशन में पहले मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ उसके बाद डिस्कस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अच्छा देखें ये लेटर अट्ठाईस को हुआ है आप डेट दे सकते हैं ऊपर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन प्राइमरी एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी हैदराबाद लाड़काना मीरपुर खास शहीद बे नज़ीराबाद सब को लिखा गया है और उसके साथ नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स प्राइमरी एलिमेंट्री सेकेंडरी सब को लिखा गया है अब ये कह रहे हैं कि इनिशियल आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंडक्शन ट्रेनिंग होगी जो न्यूली रिक्रूटेड प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं पी उसके बारे में डिस्कस हो रहा है इट इज़ टू इंफॉर्म यू देट द इनिशियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंडक्शन ट्रेनिंग जो बेज टू है ऑफ न्यूली क्योंकि बेज वन आपको पता है कि हो गया है रिक्रूटेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं सिंध में उनकी स्टार्ट होने जा रही है नवंबर सेवन से तो ट्रेनिंग के बारे में ये सारे आपकी डिटेल्स जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से सेंटर हैं तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू रिलीव करें जो भी न्यूली रिक्रूटेड प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं उनको रिलीव करें जैसे वो अब वहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकें तो ये उनके लिए टॉप प्रायोरिटी पे लिखा गया है अब कौन कौन से इलाके हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अब इसमें हम आते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आपका लाड़काना का ये देखें ये लाड़काना का है और लाड़काना में भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग होगी वो सारे आपको एरिया नज़र आएंगे जो जो वेन्यू उन्होंने लिखा है तो देख सकते हैं लाड़काने के बाद कराची है और उसके बाद यहाँ हैदराबाद है हैदराबाद पूरी रीजन्स लिखा है और उसके बाद आपका सक्खर और शहीद बेनज़ीबाद ये इलाके इन्होंने लिखे हैं इनके सामने उन्होंने सेंटर भी लिखा है जैसे सक्खर का सेंटर आप देख सकते हैं फोकल पर्सन भी उन्होंने लिखा है कि फोकल पर्सन कौन कौन सा होगा ठीक होगा तो ये आपके लिए डिटेल्स थी मैंने बेहतर समझा अब इसमें नंबर भी दिए गए हैं अगर आपको कोई इन्फॉमेसन लेनी तो इन नंबर से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा अच्छा आपने देख लिया कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सात से शुरू हो रहा है जितने भी पी हैं न्यूली रिक्रूटेड हैं तो सारे रीजन्स में और ज़ाहिर है जब इनकी ट्रेनिंग होगी तो इनको टाइम बहुत कम मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी जो एच वाली अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है जो अभी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है या एच की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अब इन बच्चों को लिए सजेशन है छोटी सी सजेशन ये है कि आप अपना ऐसा स्केजल एस बनाएं जिस हिसाब से आप कम से कम एक दो घंटे दे सकें काफ़ी बच्चे ये फील करते हैं कि हम थक गए हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हो रही है हमसे तैयारी नहीं हो रही तो एक्सक्यूजेज बना दें क्योंकि आपको पता है कि पी से ऊपर जे एस के ऊपर एच और उससे ऊपर जो है अच्छी नौकरी जो है वो है आपका हेड की एच की टी ओ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी ये बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स से तो जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए पीएसटी जेएसटी में तो अब उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए अगर वो सीरियस हैं अगर वो चाहते हैं कि हमें तैयारी करनी है हमें ये नौकरी लेनी है क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा मिल गया क्योंकि अब वो ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में टाइम कम मिलता है और बल्क् में आपको पता है कि पी एस टी हुए तो आप लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटी मिल गई क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है होता है तो आपको पता है कि जिनकी मार्क्स ज़्यादा आती हैं तो उनको टॉप पर सीट दी जाती है तो जो बच्चे पहले पी एस टी जी में सेलेक्ट नहीं हुए रिग्रेड कर रहे थे कोर्सेज़ भी उन्होंने अगर लिया हुआ है तो कोर्सेज में उनको सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर बेसिस पे तीन चार घंटे दें बाकी जो हमारे बच्चे पी एस टी सेलेक्ट हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग हो रही है कम से कम एक घंटा ज़रूर दें चौबीस घंटे में से अगर दे सकते हैं तो उनको आधा आधा घंटा करके दें एक घंटा करके दें आप टाइम निकालें अगर टाइम नहीं भी है तो आप टाइम निकालें क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स हैं जो अभी आने वाली हैं अभी आई नहीं ये सारी जॉब्स आ जाएंगी और जिन बच्चों ने कोर्सेस नहीं लिया एच का टी का और उसके साथ साथ अगर आपने एस एस टी का कोर्स नहीं लिया तो इस नंबर पर रबा करेंगे कि पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपको मिलेंगी मंथली हमने 500 रखा है बाकी हमारी एक सब्सक्रिप्शन फी है वन टाइम पे करेंगे पूरा कोर्स आज ही आपको मिलेगा और आज के आज से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी जो सीरियस बच्चे हैं हम उनको गाइड करते हैं बाकी टाइम टू टाइम जो जो चेंजेज़ होंगी जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो भी हम आपके साथ वेबसाइट पर आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे उसकी कोई फीस नहीं होगी तो ये था आज के लिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़ ये जाएँ ये सारे कोर्सेज़ आपको नज़र आएंगे पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं एफ आई ए हो वाई एस आई हो उसके अलावा टीचिंग हो और आई बी एस टी एस हो बी पी एस फाइव टू फिफ्टीन म्यूसिपल टाउन ऑफिसर हो आपका लेक्चरर हो एस ए रॉइटिंग हो पिर राइटिंग हो या जूम लाइव क्लासेज इंग्लिश के लेने तो आप इस नंबर पर रबता करें